पर हुई थी और ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। बदमाशों की अंधाधुंध फायरिंग में एक कोचिंग संचालक को गोली लगी थी और गोलीबारी की गई। आपको बता दें यहाँ पर बाइक और स्कूटी पर सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। घटना के एक सप्ताह बाद भी बदमाशों की पहचान नहीं हो सकी, पुलिस गिरफ्तारी अभी तक नहीं कर पाई। आपको बता दें फायरिंग का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ। ऐसा पूरे मामले में कहीं ना कहीं पुलिस की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। शोएब हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। शोएब, इस पूरे मामले में कई दिन बीत चुके हैं, आखिर क्या वजह है कि पुलिस का हाथ अभी भी खाली है? मनीष, सीसीटीवी वायरल होने के बाद भी पुलिस ने अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। उल्टा जो पीड़ित पक्ष है, जिसके जो संचालक था उसने गोली लगी थी, उसके परिजनों का कहना है जो वो पुलिस के पास गए तो पुलिस ने उनसे कहा कि जो आरोपी हैं या तो उनका मोबाइल नंबर ला दो, हम सर्विलांस से गिरफ्तारी कर लेंगे या उनकी पहचान करा दो। मेरे पुलिस अभी तक कुछ जो है उनके आरोपियों की पहचान नहीं करा पाई है। एक सप्ताह घटना को पूरा बीत चुका है। आवास त्यागी नाम का एक यहाँ का अपराधी है, थाली में एक मर्डर के मामले में जेल से छूट कर आया था। उसको मारने के लिए बदमाश पहुंचे थे, उन्होंने घर के बाहर कई राउंड फायरिंग की और उसके बाद जो वहाँ पर कोचिंग संचालक था, अपने कोचिंग में पढ़ा रहा था, उसकी छाती में जाकर एक गोली रख गई। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में हफ्ता भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर चित्रकूट से है, जहां पर सीबीआई ने सिंचाई विभाग के जेई को अरेस्ट कर लिया है।